पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का निधन हो गया है। सोमनाथ चटर्जी की तबीयत लगातार खराब चल रही थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। किडनी की बीमारी से पीड़ित सोमनाथ चटर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली सोमनाथ चटर्जी, जो कोलकाता के अस्पताल में भर्ती थे। वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था, किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। 1971 में वो पहली बार सांसद चुने गए। तो किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार 10 बार लोकसभा सदस्य रहे सोमनाथ चटर्जी। 1968 से 2008 तक सीपीएम से जुड़े रहे सोमनाथ चटर्जी। तो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हमारे बीच नहीं रहे।